रेडी ओके नमस्ते, मेरा नाम विनोद संजय राव सावंत है। मैं पिछले 5 साल से योगा क्लासेस लेता हूँ, टीचर हूँ, और अभी टीचर्स ट्रेनिंग होने के बाद से मेरा 3rd वर्कशॉप है। वर्कशॉप स्टार्ट करने के पहले थोड़ा कंफ्यूजन था कि क्या क्या नया सीखने को मिलेगा, लेकिन जब मिस पैशन हम सब में रहता है, डेडिकेशन रहता है, लेकिन स्मॉल थिंग्स जो हम मिस करते हैं ना, वो है टेक्निक। टेक्निक में इतना इम्प्रूवमेंट आता है, वो हम ये वर्कशॉप में आने के बाद समझ में आया है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी चीज़ें आती है करके, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, सर के साथ रहने के बाद, और ज़्यादा डेप्थ मिला है। जैसे वाटरफॉल रहता है, वो धीरे 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 डेप्थ में बढ़ते जाता है। वाटरफॉल जैसे जैसे गिरते जाता है तो वाटरफॉल का डेप्थ बढ़ते जाता है, वैसे हमारे अंदर भी ये नॉलेज का डेप्थ है ना, इसमें बढ़ते जाता है जैसे जैसे आप वर्कशॉप करते हैं। यहाँ पे वर्कशॉप में जैसे आते हैं, वैसे वैसे नॉलेज और ज़्यादा अपग्रेड होता है। और पहले कैसे था कि सर के साथ आने वर्कशॉप को आए तो ऐसा लग रहा था कि सर कितने इजीली सिखा, सर का ओपननेस फ्रेंडलीनेस देखने के बाद में, या फिर ज़्यादा कंफर्टेबल होने के बाद, और सर का हंसी मजाक देखने के बाद, जो भी हम कर रहे हैं क्लास में उसमें और ज़्यादा फोकस आता है। जैसे स्पंज होता है, स्पंज पूरा 100% पानी को सूख लेता है, तो ऐसे अवेयरनेस बढ़ते गया और धीरे धीरे हर एक चीज़ जो सर बता रहे थे उसमें अवेयरनेस के साथ पूरा 100% लेते आया। इस तरह से सर का सिंप्लिसिटी हो, जैसे हम कोई भी बड़े गुरु के साथ में आते हैं तो उनका जो भी पर्सनैलिटी में जो उनका अच्छाई होती है वो हमें धीरे धीरे आते रहती है। तो जैसे स्पंज रहता है, उनके साथ रहने के बाद हमें भी वो धीरे धीरे हमें इनबिल्ड होता रहता है। उनका पेशेंस था, उनका सबके साथ कैसे घुल मिल जाना रहता है और कैसे सबको साथ में लेके चलना रहता है, वो देखने के बाद में आप में भी वो सब इनबिल्ड होता रहता है। तो ये वर्कशॉप से मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है और काफ़ी अच्छे से मुझे और ज़्यादा खुद को अपग्रेड करने को मिला है, और नए तरीके से मैं अभी और अच्छे से स्टार्ट कर सकता हूँ, ये मुझे नया सीखने को मिला। तो थैंक यू कृष्णा सर और प्रवीण सर इसके लिए।